नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णादास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, साथ मिलेंगे एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन या फिर नाम राशि से भी अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये रीडिंग आप 15 से लेके 21 सितंबर तक इसे देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल के कार्ड आए हैं। मेजर चेंजेस होने जा रहा है आपके पर्सन के सोच में, आप लोगों की लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंजेस आने जा रहा है, गुड न्यूज मिलने जा रहा है। हालांकि ये पर्सन जो है ये ऑब्सेस्ड है आपके प्रति बहुत ज़्यादा, या फिर किसी और रिश्ते में, या फिर इनका कोई एडिक्शन है, अट्रैक्शन है किसी चीज़ में, ये खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ पाते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके साथ किसी रिश्ते की गुड न्यूज़ को बांटना चाहते हैं या फिर आपके तरफ से कोई गुड न्यूज़ उनको मिल जाए। खास करके अगर आप इन की इनकी बच्चों की माता या पिता हो या फिर बनने जा रहे हो तो इस वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आने के बारे में सोच रहा है। रेस्टलेस है, इंडिसाइसिव है, कब क्या कर दे, क्या डिसीजन ले ले इनके बारे में इनको खुद को पता नहीं है। साथ ही साथ ये आपके साथ रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। आप अगर इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, अगर आप इनके साथ शादी के अलावा भी दिल के रिश्ते में हो तो भी, एक दूसरे के साथ ऐसे लव रिलेशन में हो, बाद में शादी करेंगे जैसे कि यंग कपिल करते हैं, तो उस तरीके से भी ये आपकी प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील करता है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, जो भी आप कह लो, कंट्रोल इशू, ये सब कुछ आप पर इनका नज़र जो है ये गरा हुआ है। साथ ही साथ इनको भी कोई कंट्रोल कर रहा है। अगर आप किसी डबल रिलेशनशिप में हो तो आपको पता ही है इनको भी कोई कंट्रोल कर रहा है। स्थिति कितना भी पेचीदा हो, कितना भी कंट्रोलिंग हो, कितना भी प्रॉब्लम वाला स्थिति हो, लेकिन ये खुद को रोकेंगे नहीं और आपके तरफ आने के बारे में सोचेंगे और सोच भी रहा है, और विक्ट्री पाना उनकी जैसे जिद बन गया है, स्टेबिलिटी पाना रिश्ते में और विक्ट्री भी। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो, कोई जेमिनाई, कोई एक्यूरियस,
आपसे मैंने पहले कहा कि इनका जो ऑब्सेशन कहो, इसे अब लत कहो, अट्रैक्शन कहो, एडिक्शन कहो, ये तो बहुत ज्यादा अभी हो चुका है। चाहते क्या है? एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पांटकासन, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये आपके साथ लव रिलेशन को गहराई से फील कर रहा है, चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने तरीके से स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनको लगता है ये सोल कनेक्शन है, हो ना हो ये रिश्ता ऊपर से बन के आया है। इस रिश्ते में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मर्जी उनकी होगी, तरीके उनके होंगे, जो वो कहेंगे वो। लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्शन, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन खुद करेंगे, खुद अपने मर्जी से रिश्ते को चलाएंगे। इनको पता है ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से हर किसी का ख्याल रखते हो, खुद की, उनकी, परिवार की, वो किसी और में ये चीज़ नहीं देख पाते हैं। आपको जिस तरीके से देखते हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ये किसी और में नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन एक चीज़ तो है ही है, साथ ही साथ हर किसी में हमेशा फिजिकल अट्रैक्शन नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये तीन चार तरीके का रिश्ता दिखाई दे रहा है। कोई लव रिलेशनशिप में है, कोई शादीशुदा है, लेकिन हर तरीके के रिश्ते में ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो क्वालिटीज हैं, जो सॉफ्ट स्पोकन हो, या फिर आप हर तरीके से चीज़ों को जो ऑर्गेनाइज्ड करते हो, प्यार की जो अलग अंदाज है, ये सारे चीज़ें ये मिला के देख रहे हैं कि भाई इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो ये किसी भी कीमत पर आपसे लड़ाई झगड़ा करके डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, कुछ परेशानी रिश्ते में रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ है, मर्जी उनकी चलेगी, ऐसा ही है चाहते हैं। और रिश्ते में फालतू लोगों की अगर इसमें उपस्थिति है तो उन लोगों से ये दूर दूरियां बनाने की कोशिश भी कर रहा है, चाह रहा है। देख लेते हैं एक्शन क्या लेगा। डेफिनेटली लेगा एक्शन, ये तो इंतजार कर रहा है एक्शन लेने का। ये एक्शन लेने के लिए उतावले हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, थोड़ा सा इंतजार कर रहा है, वक्त जब सही लगेगा। ए पेज ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ के कार्ड। कितना भी परेशानी हो, कितना भी दुख हो, कितना भी रिश्ते में दुविधाएं हो, ये सारी चीजों को खत्म करना चाहते हैं, रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो पेनफुल सर्कल चल रहा है उसको खत्म करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल प्रॉब्लम भी है, उसको भी ये सही करना चाहते हैं, धीरे धीरे फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं। एक्शन ये जरूर लेंगे और लेने के बारे में सोच भी रहा है, लेकिन मुझे लगता है सही वक्त का इंतजार कर रहा है। कुछ चीज़ें जब तक सही वक्त में सही काम ना करने से चीज़ें खराब हो सकता है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन एक्शन जरूर लेंगे जैसा कि कार्ड बता रहा है। दूसरी चीज़, ये ऐसी स्थिति रिश्ते में ये रखना नहीं चाहती, ये पेनफुल जो सिचुएशन है इसे ये ख़त्म करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कम से कम दोस्ती से रिश्ते को दोबारा शुरू करने की कोशिश ये जरूर करेंगे।
कुछ दुविधा में है, कुछ जगलिंग करने की स्थिति है, क्योंकि हर कोई तो एक जैसे रिश्ते में नहीं है। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है, कुछ लोग खुद थर्ड पार्टी है, कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में गिरे हुए हैं, कुछ लोगों की पैसों की प्रॉब्लम है रिश्ते में। तो इन सारी चीज़ों को जब ये देखेंगे कि स्थिति धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है, तो ये एक्शन ले लेगा। एक्शन लेने के कार्ड भी आया है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपसे ये कहा जा रहा है पाइसिस की अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पहले से गैदर करनी पड़ेगी। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी चीज़ करना है, उसके जानकारी बहुत अच्छी तरीके से आपके पास होना चाहिए। बिना जानकारी के, सटीक जानकारी के, अधिक जानकारी के बिना कोई भी डिसीजन मत लिया करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।